देखेंगे नेशनल मीडिया में सिर्फ पुरुषों के लिए दरिंदा जैसा शब्द का इस्तेमाल होता है, महिला कोई भी जघन्य से जघन्य अपराध करेंगे पहले तो उनकी खबर को वो नहीं दिखाते हैं, और यदि दिखाएंगे भी तो केवल महिला या विवाहिता का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें घोर आपत्ति है। मैं सारे न्यूज़ चैनल या नेशनल चैनल को मैं कहना चाहता हूँ कि जितना आप एकाग्रता, जितना उग्रता जो आप एक पुरुष के अपराध में लगाते हैं, उतना ही उग्रता आप एक महिला के अपराध के लिए। मैंने क्या कहा आपको, लफ्ज बहला फुसला के अपहरण, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, गुजारा भत्ता, मी टू, तीन तलाक, लव जिहाद, पॉक्सो एक्ट, मिशन शक्ति, महिला थाना, महिला हेल्पलाइन, महिला मंत्रालय, सब कुछ सिर्फ महिलाओं के पक्ष में है। पुरुषों की भी हाल ही में धारा 497 को निरस्त कर दिया गया है, धारा 497 इस तत्कालीन सरकार में निरस्त कर दिया गया। हम चाहते हैं कि इस धारा को पुनः लागू किया जाए, क्योंकि इसमें किसी पत्नी को अवैध संबंध बनाने की आज़ादी प्राप्त हो गई है। तो हमारे कहने का मतलब है कि हिंदुस्तान के संस्कृति और मूल में अवैध संबंध को मान, आज के डेट में बलात्कार को ना एक मसाला बना दिया जाता है। यदि कोई लड़की है और उस रिलेशन में 2 साल 3 साल 4 साल उसके बाद यदि उसका डिमांड नहीं पूरा होता है तो उसके ऊपर कहती है कि जैसे मैं भुक्तभोगी हूँ, मैं क्या, मेरे साथ वो 2 साल रिलेशन में लड़की रही है और मेरे साथ अननेचुरल सेक्स की है, सब कुछ की है उसने मेरे साथ, मगर मेरे पास कोई कानूनी सख्त अधिकार, कानूनी धारा नहीं है जिसमें मैं उस महिला को सख्त से सख्त सजा, महिला को कोई पुरुष यदि 2 मिनट घूर के देख लेगा तो उसके खिलाफ सजा का प्रावधान है। इसी के विपरीत यदि कोई महिला है आपका पूरा जिंदगी किसी पुरुष का परिवार बर्बाद कर देती है, उसके खिलाफ कोई सख्त, बनारस से आया हुआ हूँ और मेरे साथ एक महिला ने 2 साल 3 साल मेरे साथ रिलेशन बना करके फिर उसने हमको कहा कि ऐसा हमको तुम यदि फ़ोन किए या कॉन्टैक्ट किए तो तुमको तुम्हारे पूरे परिवार को हमको छिल में भिजवा दूंगी। शादी का झांसा देके यौन शोषण का मामला आता है तो आप अक्सर देखेंगे न्यूज चैनलों में और मीडिया में जोर जोर से दिखाया भी जाएगा कि शादी का झांसा, बहुत बड़े बड़े लोग भी उसमें फंसे हुए हैं। तो शादी का झांसा देके यौन शोषण सिर्फ महिला का ही, सिर्फ पुरुष ही करता है, आप ये देखेंगे, क्योंकि महिलाओं के पक्ष में ही वो कानून है, क्योंकि पुरुषों के पक्ष में वो कानून नहीं है। मैं बनारस से आया हुआ हूँ और मेरे साथ एक महिला ने 2 साल 3 साल मेरे साथ रिलेशन बना करके फिर उसने हमको कहा कि ऐसा हमको तुम यदि फ़ोन किए या कॉन्टैक्ट किए तो तुमको तुम्हारे पूरे परिवार को, मैं न्यायालय में चक्कर काट रहा हूँ, तारीख पे तारीख मैं देख रहा हूँ और महिला के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। यदि किसी महिला का एक नाखून भी कटेगा तो तमाम मीडिया चैनल में लव जिहाद का एंगल निकाला जाएगा। अच्छा, आप श्रद्धा वाले केस को तो जानते ही होंगे ना सर? हम जानते, 35 टुकड़े हुए थे उस लड़की के, बात है उसको दोषी आदमी को सजा होना चाहिए, सख्त सजा होना चाहिए, मगर उतना उसमें भी आप ये कहेंगे कि महिलाओं की गलती है? नहीं, महिलाओं की गलती नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। हम किसी भी हिंसा की में हम समर्थन नहीं करते हैं, जिस तरीके से हम हिंसा हुई उसकी उसी के समानांतर जो पत्नी अपने अवैध संबंध में पति, बच्चों और परिवार को मारती है उसको भी तत्काल से तत्काल सजा होनी चाहिए, अन्यथा एक भी हिंदुस्तान में पुरुष नहीं होना चाहिए। ये हमारा मांग है, यदि हो तो महिला को भी बराबर और पुरुष को भी बराबर करो, तब इसी को कहेंगे समान नागरिक संहिता, जिसको कि आप समझ सकते हैं सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की मांग। जिस दिन ये गठन हो जाएगा, जिस दिन सदन में इसी गठन हो जाएगा, उस दिन हम एक आदर्श और अपराध मुक्त समाज की स्थापना कर सकते हैं। जैसे कि आप पुरुष आयोग की मांग कर रहे हैं, लेकिन आपके मन से ये कहा जा रहा है कि जो अंजलि थी वो 2 बजे क्यों निकली? नहीं, नहीं, ये नहीं, तो कोई लॉजिक नहीं हुआ ना कि सब आजाद है, सबको आजादी से जीने का हक है। अगर कोई 2 बजे निकलेगा तो उसको 2 बजे निकले, 4 बजे निकले, 10 बजे आप आजाद हिंदुस्तान में आप निकलिए, जो अधिकार कानून सुविधाएं आपके पास प्राप्त है वो अधिकार एक पुरुष के पास प्राप्त नहीं है। यदि महिला को कोई पुरुष यदि 2 मिनट घूर के देख लेगा तो उसके खिलाफ सजा का प्रावधान है। इसी के विपरीत यदि कोई महिला है आपका पूरा जिंदगी किसी पुरुष का परिवार बर्बाद कर देती है उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती है। जैसे कि अंजलि निर्भया का जो केस है, सबको पता है कि उसका बलात्कार हुआ था, लेकिन यहाँ से मन से कहा जा रहा है कि इसको बलात्कार का रूप दिया गया। मैम क्या आपने क्या बोलते हैं उस केस की पूरी फाइल पढ़ी है? मैडम भाषा क्या होता है मैडम, आप जानते हैं, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आज के डेट में बलात्कार को ना एक मसाला बना दिया जाता है। यदि कोई लड़की है और उस रिलेशन में 2 साल 3 साल 4 साल उसके बाद यदि उसका डिमांड नहीं पूरा होता है तो उसके ऊपर कहती है कि जैसे मैं भुक्तभोगी हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं जाके एसी अटैक करूँ, मैं जाके क्या, मैं मतलब उसका मैं सच में रेप कर दूँ, मेरे साथ वो 2 साल रिलेशन में लड़की रही है और मेरे साथ अननेचुरल सेक्स की है, सब कुछ की है उसने मेरे साथ, मगर मेरे पास कोई कानूनी सख्त अधिकार, कानूनी धारा नहीं है जिसमें मैं उस महिला को सख्त से सख्त सजा में दिलवा सकता हूँ, क्योंकि पुरुषों के पक्ष में कोई कानून सख्त नहीं है। इसी वजह से आज पुरुष जघन्य अपराध कर रहे हैं, हम उसकी कठोर निंदा करते हैं, मगर साथ में हम ये केंद्र सरकार से और सभी जो भी आपके माध्यम से वीडियो ये देख रहे हैं उन सभी साथियों से भी हम कहना चाहते हैं कि पुरुष आयोग के लिए आवाज़ उठाइए, ये आपके अधिकार की बात है, आपके आपके समाज की बात है, आपके परिवार की बात है, और परिवार और समाज से ही पूरा देश बनता है। आज आप इसका प्रमाण आप देख सकते हैं कि आज जो सामाजिक जो समाज जो
समाज का जो ताना बना था आज वो विखंडित हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी हाल ही में धारा 497 को निरस्त कर दिया गया है। धारा 497 इस तत्कालीन सरकार में निरस्त कर दिया गया। हम चाहते हैं कि इस धारा को पुनः लागू किया जाए, क्योंकि इसमें किसी पत्नी को अवैध संबंध बनाने की आज़ादी प्राप्त हो गई है। तो हमारे कहने का मतलब है कि हिंदुस्तान के संस्कृति और मूल में अवैध संबंध को मान्यता नहीं दिया गया, चाहे वो भगवान पुरुषोत्तम श्री राम की बात को ले लीजिए, चाहे वो किसी का भी ले लीजिए। उन्होंने हमारे हिंदुस्तान में सभ्यता और संस्कृति कायम करने के लिए आए हुए हैं। तो अब कहीं ना कहीं अवैध संबंध में जघन्य अपराध होते हैं, और अब तो पत्नियां प्रेमी के साथ मिलकर के जघन्य अपराध, पति को मार रही है, बच्चों को मार रही है, मगर उसका नेशनल मीडिया में कहीं पे कोई चर्चा नहीं होता। मैं इस बात का मैं घोर आपत्ति करता हूँ, और इस मंच से भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे मंच साझा किया है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मगर वो भी जो भी गलत बात बोला गया उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, मगर उन्होंने साफ साफ बोला कि सारी महिलाएं पुरुष को सारी महिलाएं आप कृपया भ्रम न फैलाएं। सारी महिलाएं जो कानून का दुरुपयोग करती हैं उनके खिलाफ जो 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 लेकिन जो रेप का केस करने के लिए बोलती है कि हम आपको इतना, जिसके साथ रेप होता है वो जानबूझ के खुद में, रेप दो प्रकार का होता है, मैं आपको बता देता हूँ। रेप देखिए होता है कि यदि अंजलि के साथ, मैं कहता हूँ कि अंजलि के साथ जो, सुनिए देखिए, अभी आप क्या कर सकते हैं, अभी जो समाज में जो विरोध उत्पन्न हो रहा है, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कह दिया गया कि महिलाओं को वेश्यावृत्ति का अधिकार, शायद आपको नहीं पता होगा। तो यदि अधिकार महिलाओं को अवैध संबंध का अधिकार प्राप्त हो, महिलाओं को गर्भपात करवाने का अधिकार, महिलाओं को वेश्यावृत्ति करवाने का अधिकार, महिलाओं को निजता के नाम पे अश्लीलता, जैसा कि आप अभी पठान फिल्म में देखे हैं। मैं एक लाइन में और जोड़ना चाहता हूँ, अभी आपके माध्यम से जितने भी हिंदू संगठन हैं, मैं काशी विश्वनाथ मंदिर से, मैं बाबा विश्वनाथ का मैं सफाई भी करता हूँ, मैं सभी लोगों को मैं चैलेंज करता हूँ, मैं दिल्ली के जंतर मंतर से मैं चैलेंज करता हूँ, जिनका भावना आहत होता है पठान फिल्म देख करके, उनका भावना और भी जितने सारे फिल्म जो भगवा में जो बेबी बियर पी के नाचत बानिक छम्मक छम्मक छम, आप सभी लोग उस वीडियो को देखिएगा, उस जैसे सैकड़ों वीडियो है जिसमें वो सिलेक्टेड विरोध क्यों करते हैं। सिलेक्टेड विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल आता है। और अभी जो आपने एक कांड बताया जिसमें महिला ने सुसाइड किया था, उसमें भी लव जिहाद का एंगल है। महिलाओं के लिए मैंने क्या कहा आपको, लव छेड़छाड़, दुराचार, बलात्कार, बहला फुसला के अपहरण, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, गुजारा भत्ता, मी टू, तीन तलाक, लव जिहाद, पॉक्सो एक्ट, मिशन शक्ति, महिला थाना, महिला हेल्पलाइन, महिला मंत्रालय, सब कुछ सिर्फ महिलाओं के ही पक्ष में है, पुरुषों के पक्ष में कुछ है ही नहीं। पुरुषों के पक्ष में है सिर्फ दरिंदा या फिर संकी या फिर कुछ भी, मतलब जैसे कि आप बता रहे हो कि पुरुष के मैडम आप देखेंगे नेशनल मीडिया में सिर्फ पुरुषों के लिए दरिंदा जैसा शब्द का इस्तेमाल होता है। महिला कोई भी जघन्य से जघन्य अपराध करेंगे, पहले तो उनकी खबर को वो नहीं दिखाते हैं, और यदि दिखाएंगे भी तो केवल महिला या विवाहिता का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें घोर आपत्ति है। मैं सारे न्यूज़ चैनल या नेशनल चैनल को मैं कहना चाहता हूँ कि जितना आप एकाग्रता, जितना उग्रता जो आप एक पुरुष के अपराध में लगाते हैं, उतना ही उग्रता आप एक महिला के अपराध में क्यों नहीं लगाते हैं। सरकार से क्या डिमांड है आपकी? हमारा सरकार से ये डिमांड है कि जिस तरीके से महिलाओं के लिए जितने सारे कानून बने हुए हैं, आपको मैंने एक नहीं 500 कानून, योजनाएं और अभियान बताया है, उसी के समानांतर कानून पुरुषों के पक्ष में भी बने, तभी हम UCC मतलब समान नागरिक संहिता मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम स्थापना कर सकते हैं। और कृपया करके प्लीज इसमें हिंदू और मुस्लिम का नफरत मत बोइए, अंग्रेजों की रीति मत चलिए। आप हिंदू संगठनों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आपत्ति हमें इस बात के लिए है कि जो फिल्म पठान में जो अश्लीलता जो दिखाया गया, हमें उससे आपत्ति है, और उससे ही नहीं, उस जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐड आते हैं फिल्मों में, जब हो पास आने के मौके तो आप क्लोजअप करें, तो इस तरीके से छत पे शिखर धवन खड़ा होकर के अंडरवियर में नाचते हैं, सामने वाली भाभी जी को दिखाते हैं। आप न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, उसमें कंडोम का ऐड आ जाता है, जो आप घर परिवार में देखते हैं, तो उससे नकारात्मक प्रभाव छोटे बच्चों पर पड़ता है, और इसका नतीजा है कि आज 14 साल की पापा की परी दिल्ली का एक कांड हमने देखा कि जघन्य अपराध, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके जघन्य से जघन्य अपराध, अपने पूरे परिवार की हत्या कर रही है, लव ट्रायंगल में बच्चों की हत्या हो रही है, बच्चे खुद 15 साल 16 साल के बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। इसलिए हमारा केंद्र सरकार से मांग है कि जो इन्होंने बालिग होने की उम्र जो 22 साल किया हुआ है, जिस तरीके से हिंदुस्तान में नाबालिग पुरुषों को प्रावधान है, उसी प्रकार से हिंदुस्तान में जघन्य अपराध करने वाली नाबालिग महिलाओं को प्रावधान हो, यही हमारी मांग है, तभी हम एक आदर्श और अपराध मुक्त समाज की स्थापना देख सकते हैं।